करते हैं कि स्टूडेंट से जो भी मैं बोलूंगा उसका जवाब आप बताएंगे मेरे को, ठीक है? कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है कि सही है, वो आप बताएंगे मेरे को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार एक गरीब रिक्शा चलाने वाला रहता है, गरीब रिक्शा, ठीक है? रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण जीवन यापन अपने परिवार को वो पाल रहा था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, 5 साल, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर मार्केट गए तो उस बेटी ने कहा कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, टंगा था सामने, तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। कहते हैं कि हर बाप अपना सपना अपने औलाद में देखता है। माँ बाप का मैं जो डेफिनेशन अपने लाइफ में पढ़ा हूं या समझा हूं वो है कि माँ बाप वो नौकर होते हैं जो औलाद को मुफ्त में मिलते हैं, जिंदगी भर औलाद की सेवा करते हैं और जब औलाद की औलाद होती है उसके सुख में रम जाते हैं। माँ बाप का जीवन में काम केवल आपका गाली सुनना है, लेकिन सफलता केवल आपका अपना है। हर माँ बाप बोलते हैं पढ़ लो बेटा, आप लोग तो मैच्योर्ड हैं, लेकिन जब आप स्कूल के दौर से आए होंगे या अभी भी जो लोग पढ़ रहे हैं, जब पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कैसा है इसके पापा है जो नहीं बोलते हैं पढ़ लो, और हम उससे तुलना करते हैं कि रमेश के पापा नहीं बोलते हैं बड़ा मेरे को पढ़ने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा जाओ क्या कर लेंगे। हमेशा याद रखिए, कभी भी हम चीट करते हैं, पढ़ने पढ़ रहे हैं कि पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हैं, यही हमारी सफलता को तय करता है। हम बोलते हैं ना बाबू मेरे पापा कल रात को आ गए, मैं बुक खोल के रखा था पता ही नहीं चला, मैं पढ़ ही नहीं रहा था, मेरे पापा को मैं गणित दे दिया, ऐसे बोलते हैं ना। हम अपने माँ बाप को गणित नहीं दे रहे, समय हमको गणित पढ़ाएगा।